हाँ, ये है सामखियारी रेलवे स्टेशन। और अभी हम दिखाने जो जा रहे हैं वो पूरा का पूरा व्यू है जो ऊपर से दिख रहा है। देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है बाहर। अभी हम जो शूट कर रहे हैं वो ऊपर से है। देखिए थोड़ा आगे जाते हैं इस तरफ भी कितनी, ये सब है जो मालगाड़ियाँ है, बहुत सारे हैं। देखो अभी भी ये कोयले की एक गाड़ी खड़ी है। अभी हम बैठे हैं, देखिए अभी एक ट्रेन आ रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, अभी पूरी आ जाएगी। देखो आ गई, स्टेशन पे आ रही है, थोड़ी देर के लिए शायद खड़ी रहेगी। डेली यहाँ बहुत सारी ट्रेन आती है। नहीं, ये स्टेशन पे रुकी नहीं, ये निकल रही है, डायरेक्ट चली जा रही है शायद। अभी हम आए वहाँ आए तब तक तो 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी निकल चुकी, ये और गाड़ी भी है, और कोयले वाली गाड़ी भी कुछ टाइम के बाद चलने वाली है, उसको भी देखेंगे। पहले ये गाड़ी ख़त्म होती उसके बाद वहाँ देखते हैं। इसके अंदर पाइप भरे है, शायद वो पानी वाले हो गए। ये दूसरी गाड़ी है कोयले वाली जो मैंने बोला था ना, अभी कुछ टाइम के बाद ये चलने वाली है, देखेगी कब स्टार्ट होती है। देखो वो हरी झंडी तो लहरा रहा है। वेट करते, देखेंगे कैसे कैसे स्टार्ट होता है। अभी वो हरी झंडी लहरा के तो अंदर वापस चला गया है, कुछ टाइम बाद चालू होगा। अभी जो हम खड़े हैं वो तीसरा नंबर वाला प्लेटफॉर्म है, उसके आगे भी एक प्लेटफॉर्म है। अभी देखो चालू हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चलता है। पूरी भरी पड़ी है इसलिए थोड़ा चालू होने में टाइम लग रहा है। ये चल पड़ा हमारा गाड़ी, देखो पूरा कोयले से भरा हुआ है। ये अभी तक मैंने दिखाई है, दूसरी है और एक तीसरी गाड़ी भी कुछ टाइम बाद आने वाली है, अभी देखते हैं। यहाँ डेली बहुत सारी गाड़ी आती है, बहुत सारी जाती है, और वो भी वीकली वाली गाड़ी भी आती है जो गांधीधाम एक्सप्रेस आती है, उसी में हमने ट्रैवल किया था एक बार। ये पूरी माल गाड़ी है, वो गाड़ी भी आती है जो जनरल होती है, मतलब ये गाड़ी चलो ख़त्म हो गई। ये जैसे ही ख़त्म होगी ना दूसरी गाड़ी तुरंत वापस आ जाएगी दूसरी दूसरे ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ डेली बहुत गाड़ी आती जाती रहती है, इसीलिए तो 6 6 7 पटरियाँ हैं। अभी ये जो हमने जूम किया वो सामखियारी जंक्शन लिखा हुआ है, ये बोर्ड है तीनों लैंग्वेज में। आ गई, देखो दूसरी गाड़ी आ गई, हम बोल रहे थे ना दूसरी नहीं ये तीसरी गाड़ी है। अभी तक हमने जो देखी ना, अभी ये वीडियो में तीसरी गाड़ी है, जब हम वीडियो शूट कर रहे थे उसी टाइम पे आई थी ये तीनों गाड़ियाँ। और वो बोल रहा था यहाँ का जो इंचार्ज होते हैं वो, यहाँ तो बहुत गाड़ी आती है,
अभी हम आए उसका 15 मिनट ही हुआ है, 15 मिनट में 3 गाड़ियाँ निकल गई। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ भी लिप लगी है क्योंकि कोई कोई गाड़ी है जो यहाँ आती है, जो हम लगेज के साथ आएंगे तो फिर ये लिप में से जा सकते हैं आसानी से, वरना ये बहुत थक जाएगी सीढ़ियों से जाएंगे तो। देखो यहाँ बहुत ही सुविधा है, डस्टबिन भी रखे ताकि यहाँ वहाँ कोई कचरा ना फेंके, बहुत ही क्लीननेस है, एकदम साफ सुथरा है रेलवे स्टेशन, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये बस से ऊपर से ऐसा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा है, क्लीनेस है, मतलब वहाँ वर्कर काम करते ही रहते हैं, अभी भी कुछ बन रहा है। देखिए ये किसी ने डलवाया है बैठने के लिए सीट है, अभी यहाँ काम चालू है रेलवे स्टेशन में, कंस्ट्रक्शन का काम जा रहा है अभी, थोड़ा बड़ा बना रहे। अभी हम बाहर आ गए हैं, ये जो शॉप है वो है सब मिठाई वगैरह की, और सब कुछ मिलता है यहाँ। देखिए ये इसको पकवान बोलते हैं, अभी हम निकल गए हैं, वापस जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन का तो पूरा देख लिया, अभी जा रहे हैं वापस। देखिए बाहर निकले हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, कितना अच्छा रास्ता है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है पानी की, देखो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। अभी टोल टैक्स आने वाला है, ये गाड़ी देखो कितनी अच्छी दिख रही है दूर से, ये वही गाड़ी है जो चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। ये सारी पवन चक्कियाँ हैं जो बिजली उससे उत्पन्न होती है, सब जगह यही है, रास्ते में बहुत सारी आती है ये सब, सामख्यारी रोड पे। अभी हम वापस मोरबी की तरफ जा रहे हैं, अभी देखो ये टोल गेट आ गया, ये है नमक का, जिसमें नमक बनता है, सब जगह अभी रास्ते में यही आएगा। ये पानी भरा पड़ा है, ये वही पानी है जिससे नमक बनाते हैं, मतलब दूर दूर तक जो नज़र आ रहा है वो नमक का ही है पूरा।